हमारे आका, बोलो ना हमारे काका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर, बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर? मेराज पर। हमारे नबी ने सातों आसमानों को पार किया, बोलो सुभानअल्लाह। फिर हमारे नबी ने आठों जन्नतों को पार किया। खल्ला ने फरमाया عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों को पार किया, आठों जन्नतों को पार किया। मुझे इस वक्त मेराज का वाक्य नहीं सुनाना, ये बताना है कि इन बिटवीन, यानी या तो सातों आसमानों के बीच में या आठों जन्नतों के बीच में, हजरत जिब्राइल ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे प्यारे नबी एक फरिश्ता आपसे अभी मिलना चाहता है। एक फरिश्ता आप, या तो सातों आसमानों के बीच में पूछा या आठों जन्नतों के बीच में पूछा, अलग अलग रिवायत है, लेकिन एक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट, एक फरिश्ता आपसे मिलना चाहता है, आपकी इजाज़त हो तो मैं बुला लूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा जवाब दिया, कौन मिलना चाहता है? कहा एक फरिश्ता आपसे मिलना चाहता। हमारे नबी ने फरमाया जब फरिश्ते के सरदार मेरे साथ हो तो किसी को मिलने की क्या ज़रूरत है? भाई फरिश्ते के सरदार कौन? हज़रत जिब्राइल खुद मेरे साथ में है, रूहुल अमीन मेरे साथ में है, तो मुझे किसी और के मिलने की क्या ज़रूरत है? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बात तो बराबर है, लेकिन वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मुलाकात की इजाज़त दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को कहा बुला लो। एक पर्दा उठाया गया, बोलो सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता जो नूर के बने हुए इंसान की शक्ल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सुनना बराबर सुनना, जब वो हमारे नबी के पास आए ना तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बहुत लंबी बातें हुई, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस फरिश्ते से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी एज हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी, तुम्हारी एज कितनी? तो फरिश्ते ने जो जवाब दिया ना, कहा मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी, मुझे नहीं मालूम। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने प्यारे फरिश्ते, तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारी उम्र कितनी? कहा ये नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी, लेकिन इतना मालूम है कि हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया। यानी हजरत आदम उनका क्रिएशन, उससे 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहो तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी हो गई, काम क्या करते हो? यानी उस वक्त से लेकर अब तक काम क्या करते हो? सुनना कुरान पाक की रोशनी में। उस फरिश्ते ने जवाब दिया, हर फरिश्ते को अल्लाह ने ड्यूटी दी है और वो ड्यूटी उस वक्त से लेकर कयामत तक करते रहेंगे। अगर अल्लाह ने किसी फरिश्ते को कयाम की हालत में रखा खड़ा, तो कयामत तक खड़े रहेंगे। कोई रुकू तो कयामत तक रुकू में रहेंगे, कोई सजदा तो कयामत तक सजदे में रहेंगे, कोई कादा तो कयामत तक कादे में रहेंगे, कोई फरिश्ता सुभान अल्लाह तस्बीह तो कयामत तक तस्बीह, कोई तकदीस तो कयामत तक तकदीस, कोई तहलील तो कयामत तक तहलील। हर फरिश्ते को अल्लाह ने ड्यूटी रखी है और ये कुरान करीम में भी लिखा हुआ है। बोलो किसमें लिखा हुआ? कुरान करीम में पारा नंबर 23। खल्ला ने फरमाया वमा मिन्ना इल्लाह मकामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। ये तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया। सब फरिश्ते किस पर लगे हुए हैं? बोलो ना कोई काम पर, कोई ना कोई ड्यूटी पर। और भी जगह पर अल्लाह ने फरमाया वस्साफ़ाति सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज़रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। अल्लाह ने फरमाया वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फ़स्साबिकाति सबका फ़ल्मुदब्बिराति अमरा। अल्लाह ने अलग अलग जगह पर बताया कि सारे फरिश्ते काम में लगेंगे। अब सुनना वाक्य पर आ जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते से जो मिलने आए,
कहा सब अपने अपने काम में लगे, तुम्हारा काम तो तुमने बताया ही नहीं, तुम क्या करते हो? कहा जब से मैं पैदा हुआ हूँ अल्लाह का हुक्म है मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद 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 ही रहेगा। यानी हज़रत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले हमारे नबी का नाम वो ले रहे हैं मोहम्मद मोहम्मद। हमारे नबी इतने खुश हो गए, हमारे नबी ने फरमाया इतने ज़माने से तुम मेरा नाम लेते हो। कहा मेरे प्यारे नबी आप ही का नाम लेता हूँ, और आज जब पता चला कि आप आसमान पर आ रहे तो मैंने सोचा आपकी मुलाकात करूं, तो मैंने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अल्लाह मुलाकात करना है। अल्लाह ने फरमाया मुझे मत पूछो, उन्हीं से पूछ लो, इजाज़त दे तो मुलाकात कर लेना। कहा आपने इजाज़त दे दी, मैंने मुलाकात कर ली। अब सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्या शैइन तुरीद, क्या चाहते, क्या हो मुझसे कुछ चाहते हो? कहाँ चाहता हूँ, हम बोलो हम भी चाहते, बोलो आमीन, बोलो रमज़ान का महीना अल्लाह कबूल करे। कहा क्या चाहते हो? कहा हाँ मैं एक चीज़ चाहता हूँ। कहा क्या चाहते हो? कहा आपकी पेशानी को चूमना चाहता हूँ, एक बार आपकी पेशानी, इंसान की शक्ल में थे, अपने होठों से आपकी पेशानी को चूमना चाहता हूँ।